भारत देश में उगाई जाने वाली धान एक प्रमुख फसल है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान इसकी खेती करते हैं, कहीं रोपाई विधि से तो कहीं सीधी बिजाई तकनीक से। पर किसी भी तरह की कोई खेती तकनीक से सबसे बड़ी समस्या है खरपतवारों की। ये खरपतवार कई रंग और रूप में आते हैं, कभी घास जाती जैसे लाल सांवा, सफेद सांवा इत्यादि, तो कभी चौड़ी पत्ती जैसे वन भाजी, पान पत्ती, मिर्च बूटी इत्यादि, या फिर मोथा प्रजाति वाले जैसे चोका इत्यादि। ये सब मिलकर पोषक तत्व चुरा लेते हैं और धान के पौधे की बढ़वार को रोक देते हैं। और तो और ये खरपतवार कई फफूंद जनित रोग और कीट पतंगों को बढ़ावा भी देते हैं। अगर सही समय पर इन खरपतवारों का नियंत्रण न किया जाए तो ये उपज को लगभग 50% तक कम कर सकते हैं। इसलिए इनका शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आज किसान भाई खरपतवारों से मुक्ति पाने के लिए कई बार खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, खेतों की निराई करवाते हैं, पर फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता और सब कुछ नामुमकिन सा लगता है। काश कोई ऐसी चाबी मिल जाए जिससे खुशहाली का नया रास्ता खुले, जो इन सभी तरह के जिद्दी खरपतवारों को उगने ही ना दे और लंबे समय तक इनसे छुटकारा भी दिलाए। पर क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, अब ये मुमकिन है। देश की अग्रणी कंपनी टाटा रैलिस लेकर आए हैं ऐसी फॉर्मुलेशन तकनीक से बना एक नया खरपतवार नाशक, पेपे। अब नामुमकिन कुछ भी नहीं। पेपे एक नए जमाने का अत्याधुनिक खरपतवार नाशक है, जो पहले दिन से ही धान में उगने वाले खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण देता है। टाटा रैलिस का पेपे अपने दोहरे कार्य प्रणाली से खरपतवारों को लंबे समय तक खेत में उगने नहीं देता और जो उग गए हों उनको वहीं शुरुआत में ही खत्म कर देता है। पेपे का इस्तेमाल ऐसी फॉर्मुलेशन तकनीक से बने होने के कारण पेपे का इस्तेमाल बिल्कुल आसान है और इसमें कोई अन्य खरपतवार नाशक मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस केवल 1 लीटर प्रति एकड़ की मात्रा और सही तरह से खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण। पेपे का घोल बनाने के वक्त सबसे पहले स्प्रे टंकी को पानी से आधा भर लें, फिर 100 मिलीलीटर पेपे नाप कर टंकी में डालें और फिर पानी से टंकी पूरी तरह से भर लें। फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल से छिड़काव सुनिश्चित करें। 1 एकड़ खेत में ऐसे 10 टंकी का इस्तेमाल करें। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पेपे का इस्तेमाल धान की बिजाई पद्धति और बताए गए विधि के हिसाब से ही करें। आइए इसको समझते हैं। अगर धान की खेती सोखा बोनी या खुर्रा बोनी विधि से कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि बुआई के बाद धान के बीज मिट्टी से अच्छी तरह ढके हुए हों, ताकि स्प्रे के वक्त धान के बीज पेपे के सीधे संपर्क में न आए। पेपे का इस्तेमाल धान की बुआई करने के दिन से 3 दिनों के अंदर सुनिश्चित करें। वहीं अगर बुआई खेत तैयार करने के बाद यानी लाई चोपी विधि से कर रहे हों तो बुआई के लिए बीज को 8 से 10 घंटे भिगोकर अंकुरित कर लें और बुआई करने के लिए अंकुरित बीज का ही इस्तेमाल करें। पेपे का छिड़काव बुआई करने के 6 से 9 दिनों के अंदर करें, जब धान पूरी तरह अंकुरित होकर खेत में जम जाए। स्प्रे करते वक्त यह सुनिश्चित करें कि खेत में स्प्रे वाली जगह पर कहीं भी पानी न जमा हो। स्प्रे करने के 2 से 3 दिनों के बाद खेत की नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई अवश्य करें। पेपे को मिला है किसानों का भरपूर विश्वास, क्योंकि पेपे के मात्र 1 छिड़काव से आपको मिलता है ऐसी फॉर्मुलेशन का भरोसा। पहले दिन से ही सभी तरह के खरपतवारों पर लंबा नियंत्रण। कई तरह के खरपतवार नाशक मिलाकर बार बार छिड़काव करने के झंझट से मुक्ति, चूहा जैसे मुश्किल खरपतवारों से छुटकारा और साथ में बेहतर उपज का भरोसा। इसलिए तो कहते हैं अब नामुमकिन कुछ भी नहीं। टाटा रैलिस का पेपे।